आर्य कोचिंग सेंटर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। चंदौली जिले के सैयदराजा नगर स्थित आर्य कोचिंग सेंटर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि बनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 8 के सभासद शिवा साव रहे। शिवा साव ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी और आर्य कोचिंग सेंटर के बच्चों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आज पूरा देश याद कर रहा है। देश के कल्याण के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो योगदान दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक टीचर, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और लोगों की सेवा में लगा दी। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व सभासद पप्पू गुप्ता, समाज सेवी आदर्श केसरी, अमित शेख, मोहम्मद परवेज, रजनीश यादव, आर्य सर आदि लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24x17 में चंदौली से अमित वर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र में तभी इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जय हिंद। हमारा देश कब आजाद हुआ? थोड़ी तो आवाज की बात होगी कि नहीं, हम किसी शोभा यात्रा में भाग लें, लोगों का बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। नंबर परिचय बताइए। युवा साहब, वार्ड नंबर 8, सुभाष नगर सभा। आज का कार्यक्रम क्या रहा? आज का कार्यक्रम, आज एक दिन APJ अब्दुल कलाम का पुण्यतिथि मनाया जाता है और एक छोटे से कोचिंग संस्था में बच्चों द्वारा मनाया गया। उसके बाद आज के ही दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का शुरुआत हो गया। और शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उनका काफ़ी सहयोग रहा। उन्हीं से युवाओं को बड़ा स्रोत मिलता रहता है। जय हिंद, जय भारत।